राज्य की उपराजधानी नागपुर में पहले दिन अच्छा प्रतिसाद देखा गया। सड़कों पर नागरिकों की थोड़ी बहुत भीड़ देखी जा रही है। पुलिस ने जगह जगह नाकाबंदी की है और राहगीरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। जब कोई जरूरी कारण हो तभी नागरिकों को पुलिस जाने दे रही है, अन्यथा बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि नागपुर में सैसा स्थानों पर नाकेबंदी की गई है। बिना किसी वजह के सड़कों पर चलने वाले नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से घर पर रहने की अपील की है। आवश्यक सेवाएं चालू होने के बावजूद पुलिस उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो नियमों को तोड़ते हैं। नागपुर में कोरोना के रोगियों की बढ़ती संख्या और मौतों की संख्या और अपर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के कारण नागपुर के लोगों के लिए कम से कम एक पखवाड़े तक घर पर रहना अनिवार्य है। शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आलेली आहे आणि पेट्रोलिंग मोबाईल्स पण मोठ्या प्रमाणात लावण्यात आलेले आहे। त्याचबरोबर अनाउन्समेंट पब्लिक अनाउन्समेंटद्वारे लोकांना आवाहन करण्यात येत आहे की बाहेर पडू नये। कोणी अनावश्यक बाहेर पडला तर त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यात येईल आणि कारवाई तशी सुरू झालेली आहे। परंतु ओव्हरऑल मागचेप्रमाणेपेक्षा आता यावेळी लोकांची चांगली प्रतिसाद दिसत आहे। पुलिस यंत्रणा पूर्णपणे सुसज्ज आहे आणि कारवाई सुरू आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की वाढत्या संक्रमणामुळे लोकांची जी सुरुवाती प्रतिसाद आहे त्याचप्रमाणे लोक अनावश्यक बाहेर पडणार नाही अशी आमची स्थिती आहे। कोणतीही निर्बंधाचे जे नियम आहेत त्यांचे कोणी जर हे केला त्यांच्या विरुद्ध कोणी हे जमला तर नक्कीच त्यांच्या विरुद्ध कारवाई होईल। आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर एक्झाम्पल मास्क सॅनिटायझर सोशल डिस्टन्सिंग ते पालन करणे अनिवार्य राहील अन्यथा पोलीसकडून कारवाई। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।